एवरी डे आई गेट नंबर ऑफ कॉल्स जिसमें ज्यादातर जिन जिन भी कैंडिडेट के साथ मेरी बात हुई है आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उनका B1 B2 का वीजा रिजेक्ट होता है एंड वो कारण कोई और नहीं क्रिएट करता, वो खुद ही क्रिएट करते हैं, दे देमसेल्फ हैव क्रिएटेड सच सिचुएशंस जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हुआ है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, आई मीन टू से दैट कि उनकी अगर प्रोफाइल स्टडी की जाए सो यू कैन ऑल्सो सिंपली फाइंड दैट उनका जो आइटिनरी प्लान है उसमें प्रॉब्लम होती है, दे हैव सम इश्यूज विद द DS-160 फॉर्म या फिर उनकी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ऐसी काफ़ी सारी और भी ट्रबल्स हैं जिनकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट होता है एंड मे बी आप भी उनमें से एक हैं जिनका वीजा रिजेक्ट हो चुका है पिछले दिनों में, या फिर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या फिर अप्लाई करना चाहते हैं। सो आई विल से दैट दिस वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी important for all of you to watch, so don't forget to watch the video till the end because I'm gonna highlight few points hai jo aapke kaam aayenge agar aap bhi is year mein B1 B2 ka visa apply karne ja rahe hain। So well, before starting with the video, let me introduce myself. This is your visa advisor and I am from LSecond International. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe the channel, like the video and do share it with your friends. If you don't want to miss any visa update, it can be regarding United States, maybe regarding Canada, Australia, Schengen countries or UK. And make sure to press the bell icon also. And not only this, if you're planning to apply B1, B2 visa this year, so we also apply the visa. Agar aap chahte hain ki हमारी टीम, हमारी एक्सपर्ट टीम आपके लिए आपका B1 B2 का वीजा इस साल के लिए अप्लाई करे, सो डोंट वरी एट ऑल, आप सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, माय एक्सपर्ट टीम इज देयर टू हेल्प यू। एंड इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करें, सो अगेन आई एम देयर टू हेल्प यू, वी प्रोवाइड 1-to-1 सेशन। अगर आप चाहते हैं अपनी इंटरव्यू में अप्रूवल को पाना, सो आपको इंटरव्यू के सेशन जरूर लेने चाहिए। सो अगेन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो जो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज योर आइटिनरी। मैनी कैंडिडेट्स आई हैव सीन दे आर वेरी अनक्लियर अबाउट देयर आइटिनरी एंड व्हेन दे आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द काउंसलर दे गेट नर्वस कि वो कहाँ जाएंगे, उसके बाद वो कहाँ स्टे करेंगे, वो देन उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज B1 B2 में दो कैटेगरीज आती हैं, द फर्स्ट इज द विजिटर वन एंड द सेकेंड इज द टूरिस्ट वीजा कैटेगरी। अब जो विस्टर वीजा कैटेगरी है एंड टूरिस्ट वीजा कैटेगरी है, जिन जिन कैंडिडेट्स को इनका डिफरेंस नहीं पता तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि जो टूरिस्ट वीजा कैटेगरी है B1 B2 के अंदर, दैट मींस यू आर गोइंग टू US फॉर योर टूर, फॉर योर जर्नी, फॉर योर फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, जैसे हम कहीं भी घूमने का प्लान बनाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट विस्टर वीजा अंडर B1 B2 कैटेगरी, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू US टू विजिट समवन, मे बी आई हैव माई किड्स देयर, मे बी आई हैव माई फैमिली, माई रिलेटिव्स और एनीवन। सो माई मेन पर्पज ऑफ गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट इज जस्ट टू विजिट माई रिलेटिव्स और फैमिली। सो ये रहा इन दोनों का डिफरेंस। बट सी, दोनों का डिफरेंस तो आपको पता चल गया, बट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द काउंसलर तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूएस अगर जा रहे हैं तो आप कहां जाएंगे यूएस में, वहां से आगे भी अगर आपका कोई प्लान है इन केस ऑफ टूरिस्ट वीजा तो वो भी आपको पता होना चाहिए, आपने क्या प्लान किया है कि आप कहां पे स्टे करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड आपके जितने भी फर्दर प्लान्स हैं टिल द रिटर्निंग फ्रॉम द यूएस, वो आपको सारे क्लियरली पता होने चाहिए। एंड ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट द विस्टर वीजा, तो विस्टर वीजा में यू शुड नो वेयर योर रिलेटिव लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको उस जगह का एड्रेस क्लियरली पता होना चाहिए और ताकि आप अपने काउंसिलर को बता सके कि येस आई एम गोइंग टू दिस प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट, फॉर एग्जाम्पल लाइक कोलोराडो स्प्रिंग्स या फिर न्यूयॉर्क, या मतलब प्रॉपर एड्रेस पता होना चाहिए आपको। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट विच आई सीन नंबर ऑफ टाइम्स की कैंडिडेट्स को नहीं पता होता, जिनकी वजह से उनकी B1 B2 की रिजेक्शन आती है। सो बी वेरी मच क्लियर विद योर आइटिनरी। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए B1 B2 वीजा फाइल करें, सो डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, या फिर अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन की जरूरत है सो डोंट वरी एट ऑल, अगेन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। सो जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है ट्रेवल हिस्ट्री। आई मस्ट नॉट से कि ये मैंडेटरी पॉइंट है, बट येस इट इज गुड टू हैव। काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ट्रेवल हिस्ट्री होती है एंड दैट काउंट एज अ प्लस पॉइंट टू देम,
जब भी वो अपना वीजा फाइल करते हैं, जब भी वो काउंसलर के सामने होते हैं, आई मीन सो दैट काउंट्स एज अ गुड पॉइंट कि हाँ यू हैव गॉन टू सम कंट्री एंड ऑफ कोर्स यू हैव रिटर्न विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जो भी आप प्लान करके गए थे कि इस डेट तक मेरी जर्नी, मेरा जो विजिट है वो खत्म हो जाएगा एंड यू हैव रिटर्न बैक टू योर कंट्री। तो अगर कभी ऐसा होता है आपके साथ तो दैट्स अ गुड पॉइंट। बट या मैंने पहले बोला कि ये मैंडेटरी नहीं है, काफी सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी बट स्टिल दे हैव गॉट द यूनाइटेड स्टेट B1 B2 वीजा, सो डोंट वरी एट ऑल। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरीबडी शुड हैव इन देयर माइंड बिफोर अप्लाइंग फॉर द B1 B2 वीजा इज दैट यू शुड गैदर ऑल द इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर फाइलिंग फॉर दिस B1 B2 वीजा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इफ यू हैव मेंशन दैट यस यू हैव दिस बिजनेस एंड योर टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर इज दिस, आपका सालाना इतना इनकम हो जाता है, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं तो यू मस्ट बी हैविंग सम सैलरी स्लिप्स, तो ये सारी चीजों का प्रूफ यू शुड हैव इन योर हैंड्स। अब इतना ही नहीं, सिर्फ उसे फंड्स की बात ही मैं नहीं करूंगी, ये भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जैसे मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया कि यू हैव सम प्लान दैट इन केस ऑफ टूरिस्ट वीजा आप यूनाइटेड स्टेट्स में पहले यहां जाएंगे, देन नेक्स्ट आपका स्टॉप यहां होगा, वहां रुकेंगे, देन नेक्स्ट डे आपका कहीं और होगा। यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस टू प्रूव दैट यस यू आर गोइंग टू हैव दिस प्लान इन यूनाइटेड स्टेट्स। इट कैन बी इन केस ऑफ योर होटल बुकिंग या फिर किसी भी और तरीके से आपके पास इसका प्रूफ जरूर होना चाहिए। नो डाउट एम्बेसडर जरूरी नहीं होता कि हर टाइम आपसे डिमांड करे कि यस शो मी दिस डॉक्यूमेंट, बट ऑफकोर्स आपके पास अपनी तरफ से उस चीज का प्रूफ होना चाहिए कि यस वट एवर आई एम सेइंग और वट एवर आई हैव मेंशन इन माई DS-160 फॉर्म आई हैव दैट थिंग्स टू प्रूव माई पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट इज टू बी रेडी फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव ऑल्सो सीन एंड यू माइट ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस कि जब भी आप इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं US के बारे में तो आपके माइंड में सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं विच यू माइट हैव सर्च फ्रॉम द इंटरनेट कि हाँ यही क्वेश्चन मुझे आ सकते हैं। बट रेडी रहना चाहिए आपको कि आपसे वो आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब उन 3-4 क्वेश्चन के अलावा भी वो कुछ पूछ सकता है आपका काउंसलर। अब उन क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? For instance, you must have seen a lot of videos जिसमें वो बोलते हैं कि okay, where are you going, why are you going, and when will this trip end, and when is this trip going to start? But इनके इलावा they can ask you some questions about your family, they can ask you some questions about your source of income, they can ask you some reasons that will you return back to your country, what are the things that makes you return back to the country. इन सारी चीजों से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करके जाते हैं जिनकी वजह से इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। सो आई मस्ट सजेस्ट यू ऑल डोंट वरी, जस्ट प्रिपेयर द क्वेश्चंस, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफाइल। वो कोई भी आपसे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पूछ रहे हैं या कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफाइल। सो जस्ट फोकस, जस्ट thoroughly read your profile and be prepared for the difficult questions. Before continuing with the video, I again want to highlight here that if you have not subscribed the channel yet, do subscribe it, share it with your friends and of course like it. And very important thing, aapko notification bell bhi on karna hai because in case koi bhi United States ki taraf se koi update aata hai ya kisi bhi aur country se update aata hai, so we are the first one, ज़्यादातर हम फर्स्ट वन होते हैं वीडियो को अपलोड करने में। एंड नॉट ओनली दिस, हम लोग वीजा भी अप्लाई करते हैं। इफ़ यू वांट दैट हम आपका वीजा अप्लाई करें, सो आपको एक ही काम करना है, दैट इज जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, या फिर अगर आप इंटरव्यू प्रेपरेशन चाहते हैं सो वी आर देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट पिंग मी अप ऑन दिस नंबर। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली जितने पॉइंट्स मैं अभी तक बता चुकी हूँ वो भी इंपॉर्टेंट थे, बट आई मस्ट से दिस वन इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। क्यों? क्योंकि यही चीज जो है एम्बेसडर ध्यान में रखता है आपको वीजा ग्रांट करने से पहले इन केस ऑफ B1 B2 वीजा। एंड ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है वो इसी रीजन की वजह से रिजेक्शन को फेस करते हैं। एंड वो पॉइंट ये है दैट यू शुड हैव योर टाइज इन योर होम कंट्री। इसका मतलब यह है कि अगर आप B1, B2 वीजा पे, चाहे वो टूरिस्ट वीजा है चाहे वो विजिटर वीजा पे यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, तो एम्बेसडर ये पक्का करना चाहता है, ये श्योर करना चाहता है दैट डू यू हैव एनी प्लान टू रिटर्न बैक टू द कंट्री और डू यू हैव एनी इंटेंशन टू सीक एम्प्लॉयमेंट देयर। अगर तो आपका इंटेंशन वहां जाके एम्प्लॉयमेंट सीक करना है, उसके अकॉर्डिंग तो वो आपको वीजा कभी भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसे प्रूफ कर देते हैं दैट आई हैव नो सच प्लान, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं वहां जाके जॉब करूं या बिजनेस करूं, बट आई डू
टू हैव अ प्लान दैट आई विल रिटर्न बैक टू माय होम कंट्री, जहां पे मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, या मेरा बिजनेस है, या मेरी जॉब है. सो दैट मींस यू आर श्योर टू गेट द वीजा. एक बार मैं फिर से फंड्स की बात करने जा रही हूँ, बट दिस टाइम दिस पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट अगेन. एंड ये पॉइंट ये है कि मल्टीपल टाइम्स आई हैव सीन कि कैंडिडेट्स के पास फंड्स सफिशिएंट नहीं होते, जो उनका बेसिक कारण रहता है रिजेक्शन फेस करने का. एंड 80-90% चांसेस यही रहते हैं कैंडिडेट्स के फेल होने के, क्योंकि वट एवर दे हैव प्लान, वट एवर दे हैव मैंशन इन द DS-160 दैट दे आर हैविंग 10 days ट्रिप, 15 days ट्रिप, या फिर 1 month ट्रिप, दे आर नॉट सपोर्टेड विद दैट सफिशियंट फंड्स. मतलब कि अगर ट्रिप 1 month की है तो इट मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रिप है तो योर एक्सपेंसेस आर गोना बी मोर, बट आपके जो फंड्स होते हैं विच यू हैव शोन एज अ प्रूफ, वो इसके कंपैरिजन कम होते हैं. आई विल नॉट से कि हाँ देर इज अ फिक्स्ड अमाउंट दैट यू शुड हैव बिफोर अप्लाइंग फॉर द B1 B2 वीजा, बट येस इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्पज, इट डिपेंड्स अपॉन योर डेज और लेंथ ऑफ योर ट्रिप. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर दैट आपको अपनी लेंथ ऑफ स्टे, आपको अपना वहां पे जो भी एक्सपेंसिज आप करेंगे, इफ यू आर मैंशनिंग सम नेम ऑफ द प्रॉपर्टी और होटल जहां पे आप स्टे करेंगे, उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको अपने फंड शो करने चाहिए. सो अल्टीमेटली दिस इज अ कंप्लीट प्लान जो आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए. एंड इफ यू आर अनेबल टू डू सो, वी आर देयर, आर सर्विसेज आर देयर, माय टीम इज देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट पिंग मी अप. सो वेल, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं मूव करती हूँ. एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट्स क्वाइट कॉमन, बट वो कब कॉमन से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एंड रिजेक्शन का कारण बन जाता है, यू नेवर नो. एंड वो पॉइंट ये है, नर्वसनेस, योर पैनिक सिचुएशन. आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेन वी आर इन फ्रंट ऑफ द काउंसलर, तो बहुत बार ये सिचुएशन आती है कि वी जस्ट गेट कन्फ्यूज, हम पजल्ड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता वॉट वी शुड से. नो डाउट हमारे फंड्स भी जेन्युइन होते हैं, हमारा जो फंड्स है या आइटनरी प्लान है वो भी परफेक्टली सारा कुछ हमने किया होता है, बट द थिंग इज यू आर नॉट प्रेजेंटेबल एट दैट टाइम, तो आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है. तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगी, डोंट गो फॉर इंटरव्यू विदाउट प्रेपरेशन. जब भी कोई कैंडिडेट विदाउट प्रेपरेशन जाता है तो उसके पैनिक होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं. रीजन बीइंग उसने कभी भी मॉक इंटरव्यूज नहीं ली होती या मॉक इंटरव्यू सेशंस नहीं लिए होते, तो अल्टीमेटली नर्वस होना तो बनता है. सो आई मस्ट सजेस्ट फिर से कि आप मॉक इंटरव्यू सेशन जरूर लें, तभी आपके वीजा के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं. एंड अगेन वी आर देयर, डोंट वरी, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच आई हैव पिक्ड फॉर यू पीपल. जितना भी मैंने कॉलिंग के थ्रू ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या गलतियाँ करते हैं, सो आई हैव हाईलाइटेड ऑल द पॉइंट्स इन दिस वीडियो, बट नो डाउट देयर आर सेवरल अदर पॉइंट्स एज वेल, बट आई कांट मेक दिस वीडियो टू लेंथी कि आपके लिए ये बोरिंग हो जाए. सो आई जस्ट हैव पिक्ड जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है एंड मेक श्योर कि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करें, सो यू आर गुड टू गो, यू विल गेट द अप्रूवल, डोंट वरी एट ऑल. फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, सो माई होल टीम इज, आर होल टीम इज देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी एट ऑल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हूसोएवर नीड दिस. वी आर ऑलवेज देयर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी.